हमारे प्यारे देशवासियों, क्या हालचाल। तो बेसिकली एक व्लॉग है और टेक्निकली एक टेक व्लॉग है, तो यानी कि यहाँ पे टेक्निकल बातें तो होगी ही, मगर यहाँ पे कुछ नॉर्मल बातें भी होगी। हमेशा की तरह ये जो वीडियो है मैं अपने स्टूडियो में या फिर अपने घर पर शूट कर सकता था, मगर मैंने सोचा कि क्यों ना एक अलग ट्राई किया जाए। इससे मेरे व्लॉग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कुछ अलग देखने का मौका मिलेगा, और हो सकता है आपको ये स्टाइल भी ज़्यादा पसंद आ जाए। तो आज हम बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक पर। जैसे कि हम सभी को पता है, जब से भारत में टिकटॉक बैन हुआ है, तब से भारत में टिकटॉक जैसे सिमिलर ऐप्स की ऐसी बाढ़ आ चुकी है, मतलब बारिश हो रही है, और जो भारत के डेवलपर्स की तरफ से आते हैं, मतलब भारतीय लोग इसको बना रहे हैं। मगर मेरा सवाल आज का ये है कि यार सच में हमें इस मतलब टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, या फिर हमें चाहिए कुछ और, कुछ अलग जो हमारे भारत का फ्यूचर डिसाइड कर सके। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू फ्लिपबिप, मैं हूँ आपका दोस्त चिन्मय। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो इतना सभी यूज़फुल लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जैसे सब्सक्राइबर्स का प्यार ही हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए ज़्यादा मायने रखता है। और साथ ही में जो बाजू में बेल आइकन होगा उसको भी ज़रूर दबाइए, ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से जब से भारत में टिकटॉक बैन हुआ है, भारत के कुछ डेवलपर्स हैं, उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशन सिमिलर एप्लीकेशन बनाई है। अगर मैं आपको सिर्फ नाम बता दूँ तो मेरे ख्याल से जो मुझे याद है, सबसे पहले तो आता है वो जोश, उसके बाद वो कुछ मौज नाम का एप्लीकेशन है, शेयर चैट तो पहले से ही था, साथ में यहाँ पे जो और एक एप्लीकेशन है चिंगर है, मतलब नाम भी देखो क्या रखा है, और साथ में और एक एप्लीकेशन जिसका नाम है रोपोसो। ये कुछ मुझे जहाँ तक याद है या फिर पता है ये एप्लीकेशन है। इसके साथ इसके जैसे बहुत सारे और एप्लीकेशन हो सकते हैं। और जहाँ तक बात है अलग प्लेटफॉर्म की, जैसे कि यूट्यूब, तो यूट्यूब जैसा हमारे पास क्या है, नथिंग। तो मेरा कहना ये है कि हमें चाहिए एक यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म। YouTube जैसा प्लेटफॉर्म क्यों चाहिए? YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी जो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती, और खास करके YouTube पे जो कुछ भी कम्युनिटी गाइडलाइंस है अगर आप उसको फॉलो करते हैं, तो आपको यहाँ पे किसी भी टॉपिक पर अपनी दिल की बात रखने की परमिशन है। आप यहाँ पे किसी भी टॉपिक पर अच्छे वीडियोज़ बना सकते हैं, और YouTube जो कंटेंट मिलता है वो बहुत अच्छा कंटेंट होता है। और जहाँ तक बात है TikTok जैसे प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पे आप शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हैं, जैसे कि 30 सेकंड के, 30 सेकंड से भी वो कम होते, 29 सेकंड्स के होते। इसके दो रीज़न से, इससे होता क्या है, 29 सेकंड्स में आप कितनी अपनी अच्छी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, ये भी पहली बात आती है, और कितने आप 29 सेकंड्स की वीडियो बनाओगे, और दूसरी बात ये 29 सेकंड्स के होते क्यों हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे जो 90% जो वीडियोस होते हैं ना, वो डबिंग होते हैं, जैसे कि ऑडियो होता है वो अलग होता है, वीडियो होता है वो अलग होता है। यहाँ पे जो 90% जो वीडियोस होते हैं ना, वहाँ पे किसी फेमस फिल्म का डायलॉग होता है, फेमस फिल्म का कोई पॉपुलर गाना होता है, या फिर कोई पॉपुलर स्पीच होती है, इनके ये वीडियोस बनाए जाते हैं। और ये 29 सेकंड्स के क्यों होते हैं, क्योंकि जो कॉपीराइट स्ट्राइक होते हैं या फिर कॉपीराइट लॉज जो होते हैं, उनके हिसाब से अगर आप किसी भी गाने को या फिर किसी भी क्लिप को अगर आप 29 सेकंड से कम यूज़ करोगे, तो आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगा, यानी कि आप उस गाने को विदाउट कॉपीराइट स्ट्राइक यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो सारे वीडियोज़ होते हैं वो 29 सेकंड्स के ही होते हैं, मगर यूट्यूब पर ऐसा नहीं होता। यूट्यूब पर जो आप बात करते हैं वो खुद की बात होती है, जो आपको दिल को लगता है वो आप बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप एजुकेशनल वीडियोज़ दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारे जो फ़ायदे होते हैं आप यूट्यूब पर देख सकते हो। इसलिए मेरे ख्याल से आपका यूट्यूब जैसा एक प्लेटफॉर्म हमें भारत का होना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर कोई भी यूट्यूब को बैन या फिर बॉयकॉट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है हम जैसे व्यूवर्स के लिए और हम जैसे क्रिएटर्स के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बड़ा हो या फिर छोटा क्रिएटर हो, सारे लोग यूट्यूब को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है। और यूट्यूब पे आपको जो क्वालिटी मिलती है वो बहुत अच्छी होती है। मगर यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हमें यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म अगर भारत की तरफ से मिल जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हम अपने वीडियोज़ डाल सकेंगे, और यूट्यूब को एक मतलब ऐसा एक सिमिलर ऐप आपको मिल जाएगा यूट्यूब के लिए ऑप्शन के लिए। और जहाँ तक बात है हमारे देश की, तो भाई हम मंगल पर जाने के लिए सबसे सस्ता रॉकेट अगर बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। तो बस ये मेरी राय थी, ये मेरी बात थी। अब मुझे पता नहीं आपको ये अच्छी लगेगी या फिर नहीं लगेगी, मगर ये मेरा ख्याल है कि हमें टिकटॉक से ज़्यादा अगर किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो वो है यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म। जैसे कि हमें हमारे सरकार ने अभी जो एलिमेंट्स नाम का एप्लीकेशन बनाया, जो फेसबुक जैसा एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया ऐप है, ऐसे यूट्यूब जैसा अगर कोई प्लेटफॉर्म आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आपकी कोई भी राय हो, भले आप मेरे साथ हो या फिर मेरे खिलाफ हो, प्लीज़ आपके जो कमेंट है वो ज़रूर कीजिए, इससे आपकी जो राय वो सभी लोगों को और मुझे भी पता चल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और इस वीडियो को मैं अपने दोनों चैनल पर, मतलब इस चैनल पर भी और अपना जो अलग सा जो व्लॉग चैनल उस पर भी अपलोड करूँगा, आप वहाँ पर भी जाइए, उस वीडियो को भी देखिए, और साथ में उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिल रहा हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय,
नमस्ते।